वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर गहरे दबाव के क्षेत्र ने मजबूत होकर मंगलवार को चक्रवाती तूफान बुरेवी का रूप लिया है। इस नए संकट के चलते तमिलनाडु और केरल के समुद्री तटीय दो शहरों में NDRF की टीमें तैनात की गई हैं। साइक्लोन बुरेवी 2 दिसंबर को श्रीलंकाई तट को पार करने की संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने यह जानकारी दी है। चक्रवाती तूफान के मद्देनजर नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स यानी NDRF की टीमें तमिलनाडु के कन्याकुमारी और केरल के अलमपुंजा में तैनात की गई हैं। साइक्लोन बुरेवी के संभावित प्रकोप को देखते हुए तमिलनाडु के थूथुक्कुडी में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 2 टीमों को तैनात किया गया है। बता दें कि IMD ने एक बुलेटिन में कहा है कि श्रीलंका के त्रिकोमाली पहुंचने के बाद बुरेवी के मन्नार की खाड़ी और तमिलनाडु में कन्याकुमारी के आसपास के इलाके की ओर आने की आशंका है। गौरतलब है कि इससे पहले बंगाल की खाड़ी से उठा निवार तूफान ने तमिलनाडु और पांडुचेरी में जमकर तबाही मचाया था। इस दौरान तमिलनाडु में 3 लोगों की मौत हुई थी और 3 लोग घायल हुए थे। 101 कच्चे घरों का नुकसान भी हुआ था। इस तूफान में 380 से ज्यादा पेड़ टूट कर गिर गए थे। हालांकि पांडुचेरी में किसी व्यक्ति के मरने की खबर नहीं थी, लेकिन वहां घरों और पेड़ों को काफी नुकसान हुआ था। तो ये थी आने वाले तूफान पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।